हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स का मॉडल पेपर, जिसमें हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो ये आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये बीकॉम एमकॉम किसी भी के लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन की आयकर अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। कहता है कि इनकम टैक्स वॉज पास इन द ईयर। इनकम टैक्स है वो कब पास्ड हुआ था, तो पास्ड हुआ था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स वॉज, आयकर अधिनियम कब से लागू हुआ। कहता है कि ये तो पारित हुआ था 1961 में, बट ये लागू कब हुआ, कब फोर्स किया गया, तो 1 अप्रैल 1962 में इनकम टैक्स को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनकम टैक्स एक क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। आयकर एक क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्टली किससे लिया जाता है, अगर मेरी इनकम है तो हमारी इनकम पर जो टैक्स लग रहा है डायरेक्टली हमसे क्या लिया जा रहा है, तो इनकम टैक्स क्या है, बेसिकली एक डायरेक्ट टैक्स है, एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयकर की दरें तय की गई हैं, इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड इन। इनकम टैक्स की जो रेट्स होती हैं कि इस पे इतने टैक्सेस लगेंगे, इस पे इतने, वो किसके द्वारा लगाई दी जाती हैं, तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर द हेड्स ऑफ इनकम, यहाँ आय के शीर्ष। हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं, टोटल 5 हो ते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम, ठीक है, तो ऐसे 5 हेड्स होते हैं जिसमें उसको बांटा गया है, हेड्स ऑफ इनकम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन विद द एज और मोर कंसिडर्ड एज अ सुपर सीनियर सिटीजन एज पर इनकम टैक्स। एक पर्सन जो है इनकम टैक्स के हिसाब से क्या है, उस आयु वाले व्यक्ति या अधिक सुपर सीनियर सिटीजन माना जाता है, तो वो कितना होगा, 80 साल। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिमम एक्सेप्शनल लिमिट ऑफ इनकम, आय की न्यूनतम असाधारण सीमा क्या है। जो मिनिमम एक्सेप्शनल लिमिट होती है कि इनकम की, आय की, वो कितनी होती है, 3 लाख। नेक्स्ट है आयकर की छूट की धारा के अनुसार परिभाषित किया गया है, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। कहता है कि इनकम टैक्स पे जो छूट मिलेगी वो किस सेक्शन में डिफाइन की गई है, तो 87A के सेक्शन में वो डिफाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेक्शन 29 ऑफ इनकम टैक्स डील्स विद द आयकर की धारा 29 से संबंधित है। तो इनकम टैक्स का जो सेक्शन 29 है ये किससे डील करता है, असेसमेंट ईयर से। और मैंने बताया कि असेसमेंट ईयर जो है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जिसपे हमारा क्या होता है, ये टैक्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर। जो असेसमेंट ईयर होता है 12 महीने की अवधि के जो शुरू होती है, मतलब कि ये कब से स्टार्ट होता है असेसमेंट ईयर, तो 1 अप्रैल से ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनकम अर्नड इन एन ईयर इज टैक्स इज द सेम ईयर इट इज कॉल्ड। मतलब जब एक वर्ष में अर्जित आय पर उसी वर्ष पर आय लगाया जाए, जैसे मेरी इनकम जो है साल में, तो उसी साल वो इनकम लगाई जाए, तो उस इनकम को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सरचार्ज इज लिविड व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड, कुल आय से अधिक होने पर सरचार्ज लगाया गया। कहता है कि अगर हमारी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हुई, तो अगर उस पर सरचार्ज लगेगा, ठीक है, तो इनकम से अगर हमारी ज़्यादा होती 1 करोड़ से, तो उस पर क्या होगा, सरचार्ज लगेगा। तो इसीलिए कहा गया कि जितनी हमारी टोटल इनकम है, अधिक होने पर, 1 करोड़ से होने पर उस पर क्या होगा, सरचार्ज लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एजुकेशनल सेस चार्ज एट द रेट ऑफ शैक्षिक उपकर की दर की शुल्क। एजुकेशनल सेस पे कितना परसेंट टैक्स लगता है, तो कितना, 3% टैक्स रेट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन इंक्लूड्स, आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति में क्या क्या शामिल होते हैं, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीज़ें एक इनकम में, एक पर्सन की इनकम में क्या है, इंक्लूड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBDT स्टैंड फॉर, CBDT का अर्थ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, जो इस पे ये लगाती है ये सारी टैक्सेस पे, ठीक है, तो CBDT इसे बोलते हैं। कहता है CBDT इज कंट्रोल, CBDT के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मीन्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। टू बी एन ऑर्डरली रेसिडेंट इन इंडिया एन इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई, भारत में सामान्य रूप से निवासी होने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 2 ऑर्डरली रेसिडेंट क्या होने चाहिए। ठीक है,
ए कंपनी हैज अ टाइप्स ऑफ रेसिडेंटियल स्टेटस, एक कंपनी के आवासीय स्थिति के प्रकार कितने होने चाहिए, तो वो होने चाहिए 182 डेज के। नेक्स्ट है हु इज एसेसी इन ए केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम HUF बोलते हैं, तो HUF के मामले में निर्धारता कौन है, मीन्स जैसे हमारी फैमिली है तो उसके हेड कौन है, हमारे क्या है पापा है, तो पापा क्या होंगे कर्ता ऑफ द फैमिली, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कर्ता होता है, जो पापा है वो क्या हमारी कर्ता ऑफ द फैमिली है, तो वो कौन हो जाएंगे, वही निर्धारता हो जाएंगे, ठीक है, एसएससी हो जाएंगे। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, एक भारतीय कंपनी से लाभांश है, अगर हम इंडियन कंपनी से डिविडेंड पाते हैं तो वो फुल्ली इनकम टैक्स क्या होगा, एक्सेम्प्ट होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्सेम्प्ट इनकम इज इन डिडक्शन, छूट प्राप्त आय पर किया गया वेव कटौती, वो क्या होगा, नहीं अलाउ होगा। अगर कोई एक्सेम्प्ट इनकम पर एक्सपेंडिचर इनकर्ड होती है तो वहाँ पर वो क्या है, नॉट अलाउड होगा। नेक्स्ट है इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स आर स्टेटेड इन द सेक्शन, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कहता कर से छूट प्राप्त आय कर अधिनियम की धारा में बताई गई, तो वो अधिनियम बताई गई है 10 में। इनकम फ्रॉम सैलरी इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन, वेतन से होने वाली आय को अनुभाग में समझाया गया, इनकम जो हमें सैलरी से जो इनकम हमें मिलती है वो उसको किस सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 15 से लेकर 17 तक को इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, सैलरी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन, वेतन धारा के अनुसार अवहेलना किया गया है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी तो 15 से 17 में बताया गया, लेकिन अगर सैलरी की बात करें तो सिर्फ वो सेक्शन 17(1) में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है ग्रेजुटी, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ग्रेजुटी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन, उपदान धारा के अनुसार परिभाषित किया गया, तो सेक्शन 10(10) में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन इसी में से आने हैं, क्योंकि पूरा ये बीकॉम को मैंने एनालिसिस करके बनाया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, आई होप यू आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, इसे आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपका रिवीजन होगा, और इसको कॉपी पेन लेकर जब हम आए तो ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि जितनी बार आप उसके लिखेंगे फिर उसे रिवाइज करेंगे तो वो आपके दिमाग में क्या होगा, वो ऑप्शन सीधे सही हो जाएगा एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।